और चलिए बात करेंगे रायपुर की। रायपुर से जानकारी, मुख्यमंत्री के नाम से फेसबुक में फर्जी आईडी बनाने वाला युवा गिरफ्तार। अलवर राजस्थान से आरोपी साहूकार खान को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें रायपुर साइबर ब्रांच की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तो रायपुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम से फर्जी आईडी बनाई गई थी इस युवक द्वारा, और सीएम के नाम से फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाने का पूरा मामला है, जिसके बाद इस युवक को गिरफ्तार कर दिया गया। अलवर से इस युवक को गिरफ्तार किया है। रायपुर साइबर ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस युवक को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी इस युवक ने। और चलिए बात करेंगे बालोद की। बालोद जिले में फिर एक बार नक्सली गतिविधियां बढ़ गई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने महामाया थाना में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं। और आपको बता दें कि बीते दिनों महामाया की बस्तियों में 9 से 10 की तादाद में बंदूकधारी नक्सलियों को देखा गया है। नक्सलियों की गतिविधियों को बढ़ता देख यहां पर जो पुलिस विभाग है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो लगातार नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर हालांकि जो पुलिस महकमा है वो भी काफी ज्यादा अलर्ट और एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दिल्ली राजहरा एरिया में, मतलब महामाया एरिया में नक्सलियों के घूमने की जानकारी मिल रही कहते हैं, तो अब उसको हम पुष्टि कर, जानकारी तो हमें नहीं मिली है, लेकिन चूंकि पुष्टि सही पर हम उसको गंभीरता से ले रहे हैं और हमने सभी थानों के अलर्ट कर दिया गया है और जहां जहां बल कम थे वहां पर बढ़ा दी गई है। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और बात करेंगे सुकमा की। सुकमा से बड़ी खबर